नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की महिला एजेंसी मैनेजर के साथ डिविजनल मैनेजर द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता का आरोप है कि मीटिंग के लिए एकत्रित हुए पूरे स्टाफ के साथ डिविजनल मैनेजर ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि बीच चौराहे में उन्हें बेइज्जत किया है। मामले में पीड़ित महिला मैनेजर ने शहर के अमहिया थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसे पुलिस ने जांच में ले लिया है। दरअसल शुक्रवार की रात अमहिया थाना पहुंची एक युवती ने अपने ही कंपनी के डिविजनल मैनेजर पर अभद्रता किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि वह SBI लाइफ में एजेंसी मैनेजर के पद पर पदस्थ है। बताया गया कि बीते दिवस सतना में मीटिंग के लिए कंपनी के सभी स्टाफ को बुलाया गया था। सतना जाने के लिए जब सभी सिरमौर चौराहे पर एकत्रित हुए तो वहां पर कंपनी के उस कर्मचारी को बुलाया गया जो पीड़िता को काफी समय से परेशान करता था। पीड़िता ने बताया कि जब उसने डिविजनल मैनेजर से पूछा कि इसे क्यों बुलाया गया है तो उन्होंने अभद्रता करते हुए न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि बीच चौराहे में पूरे स्टाफ के सामने बेइज्जत किया। पीड़िता ने फिलहाल मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है, जिसे पुलिस ने जांच में ले लिया है। SBI लाइफ में एजेंसी मैनेजर के पद पर हूँ। 23/11/2022 को हमारी सतना में मीटिंग थी, जिसके लिए सभी एडवाइजर्स और मैनेजर सिरमौर कॉलेज चौराहे में एकत्रित हुए। उसी दौरान एक एडवाइजर हमारा जो बदतमीजी करता था, उसके साथ मैं एक साल पहले ही काम करना बंद कर चुकी हूँ। फिर भी हमारे जो डिविजनल मैनेजर संजय कुमार सिंह हैं, तो वो उसको हमारे सामने बार बार लाते हैं, जिससे मैं उसे देखकर भी परेशान हो जाती हूँ। और जब मैंने उनसे पूछा कि इन्हें किस लिए बुलाया गया है, तो उन्होंने मुझे भद्रता का प्रयोग करते हुए गाली दी। बीच चौराहे में 10 लोगों के सामने उन्होंने मुझे गाली दिया। कृपया, मैं अमहिया थाने में आवेदन पत्र दे चुकी हूँ, पुलिस उसकी कार्रवाई करे। उमा शंकर पांडे। क्यों बंद कर दिया थे आपने काम? वो हमारे साथ बदतमीजी करता था, इस वजह से मैं उसके साथ काम करना बंद कर दी थी। पुलिस प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला है यहाँ? अभी जांच पड़ताल चल रही है सर।